प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने धार जिले में मॉब लॉन्चिंग की घटना पर दुख प्रकट करते हुए मृतक के गांव पहुंचकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने धार जिले में मॉब लिंचिंग की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पटवारी अब तक मृतक के गांव पहुंचकर अंतिम संस्कार में भाग लेंगे और इसके पश्चात चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती अन्य घायलों से मिलने के लिए जाएंगे। मंत्री पटवारी लगभग 11:30 बजे चोइथराम हॉस्पिटल पहुँचेंगे। जो कल की घटना धार जिले की है, बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री जी ने सीधे संज्ञान में लेके निर्देश दिए, 24 घंटे में सब अपराधी जिनने भी इस भयावह दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सहयोग किया या अभियुक्त बने, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी होगी। एक SIT को गठित करके जांच कराने का निष्पक्ष पुलिस विभाग के की लापरवाही क्या थी, थाने की क्या लापरवाही थी, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए। साथ ही पूरे परिवार का, चूँकि घटना घट गई है तो इलाज की और परिवार के बाकी आर्थिक सहायता की जिम्मेवारी सरकार ने ली है। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के सहयोग में सरकार खड़ी रहे, मैं मानता हूँ कि ये सरकार का दायित्व है और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश। गृह मंत्री जी ने TI और 4-5 उस समय जो थाने पे तैनात जिनकी ड्यूटी थी उन लोगों को सस्पेंड कर दिया है। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो अपराधी होते हैं वो किसी विचारधारा के तो नहीं होते हैं, ये मैं मानता हूँ, पर जो अपराधी होते हैं वो ऐसी मानसिकता से ग्रसित होते हैं जो भीड़ के साथ इस तरह की हैवानियत करते हैं। बस इस मानसिकता के खिलाफ हमें लड़ना है। मैं मानता हूँ कि अलग अलग समय पे अलग अलग देश भर में भीड़ के साथ जो हमले होते हैं, हत्याएं होती है, ये वैसी मानसिकता थी और ऐसी मानसिकता को ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। 24 घंटे में एक एक अपराधी को पकड़ना, सीधे निर्देश पुलिस विभाग को दे दिए गए हैं। कोई विचारधारा का कोई व्यक्ति हो, अपराधी है तो बचेगा नहीं, कोई हो, मैंने जैसा कहा, और 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाएगा। मैं मानता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, CM ने सीधे मुझे यहां आज भेजा, मेरा छतरपुर प्रोग्राम था और मेरा दायित्व भी था, मेरे इंदौर शहर परिवार के लोग हैं। मैं मानता हूं कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब ने इसकी निंदा करनी चाहिए। मैंने जैसा कहा कि ये कोई अपराधी जो होता है वो किसी विचारधारा का नहीं होता है, पर मानसिकता अपराधी की कैसी है, ये इसी के खिलाफ लड़ाई है। जो भीड़ को उकसाना, भीड़ के लिए को अलग अलग तरह की सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा बोलना, ये लोग कौन हैं और ये किस से जुड़े हुए हैं, ये आज सवाल खड़ा करते हैं। मैं मानता हूँ ऐसे लोगों को भी किसी न किसी रूप में समाज क्रिटिसाइज़ करे, कानून और सरकार तो काम करे ही, पर समाज क्रिटिसाइज़ करे जो नफरत फैलाने का काम किसी भी रूप में करते हैं। मैं मानता हूं आज सबकी जिम्मेवारी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, समाज के एक एक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, सरकार और सब परिवारजनों की, कि ऐसे लोगों का क्रिटिसिज्म हो, इनकी खिलाफत हो और जो घृणा फैलाए, नफरत फैलाए, इनका विरोध हो। मैं सांवेर गया था उस परिवार के साथ, जो परिवार का सदस्य जहाँ इस घटना से जिसने अपना जीवन दान दिया है, और मैं सारे परिवार के 4 साथियों से मिला जो घायल हैं, एक की छुट्टी हो गई है, सब जो भर्ती है वो आउट ऑफ कंट्रोल में, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कंट्रोल में है पूरी। मैं मानता हूं कि जरूर घटना भयावह है, परिस्थिति सारी नियंत्रण में है, पर दुर्भाग्य ये है कि ऐसी घटना अब न हो, इसके लिए शासन प्रशासन हर किसान परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार, ये मजदूरों को रखना, खेती में काम करने के लिए अलग अलग तरीके के, हर बार ऐसी व्यवस्था, कई बार ऐसी घटनाएं घटती है, इस पर कैसे लगाम लगे, इसको लेकर कानून भी बनाया जाए। बताया मैंने, निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे में गिरफ्तारी हो और इलाज पूरा सरकार उठाएगी, अच्छा इलाज हो।